इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। चर्चा है कि कोरोना के टीके को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सरकार के जागरूकता अभियान के बाद भी इन इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर खाली है, क्या ये सही है? क्या वाकई में मुसलमानों के बीच में वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम है? आखिर सही बात क्या है? ये जानने के लिए हमने देश के कई राज्यों के मुस्लिम इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए और मुस्लिम मोहल्लों की ये टीका रिपोर्ट। ताकि बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और बीमारी दूर हो जाएगी। मेरी आवाज सुने हो, आवाज सुनकर मेरी इंजन कराने और इंजेक्शन हो जाएगा, इससे बीमारी दूर हो जाएगी। वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से यही बचाएगी। मिन्नतें हो रही हैं और तमाम सब लोग वैक्सीन लगवाएं। मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, मोहल्लों में जाकर गुजारिश की जा रही है, लोगों से फरियाद हो रही है। सुनो 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 ग्राम वासियों, सुनो, मैं ग्राम सेवक प्रतिनिधि मुस्लिम अली आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। जब तक हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को कोरोना का टीका नहीं लग जाएगा, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। और इसलिए हमने आज देश के मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों से पूछा है कि आखिर वैक्सीनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मुस्लिम बहुल इलाकों में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आखिर चल क्या रहा है। इस वक्त हरियाणा के नूह में हम मौजूद हैं। दरअसल नूह की गिनती हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में से होती है और इस वक्त हम नूह के ही एक बड़ी मस्जिद का इलाका है यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसी बातें हैं जिनके चलते लोगों के मन में भ्रम भी पैदा हो रहा है और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर डर भी पैदा हो रहा है। तो ऐसे में ये जो खबर सामने आई कि जो नूह में वैक्सीनेशन सबसे कम हो रहा है और इसके एक रियलिटी चेक के बतौर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो रिहायशी लोग हैं। टीचर हूँ, हमारे डिपार्टमेंट्स की आज भी क्लस्टर्स के लिए बी ऑफिस ऑर्डर्स हुए हैं, सारे मुलाजमीन हजरात ने भी लगवा ली है और जितने भी समझदार किस्म के आदमी हैं कोई नहीं डर रहा, हर आदमी लगवा रहा है। सर, ये जो बात आ रही है सामने, ये रिपोर्ट भी गई है यहाँ से कि सबसे कम वैक्सीनेशन नूह में हुआ है, ऐसा क्यों है, क्या डर है लोगों के मन? जो ये वैक्सीनेशन जो हो रहा था इसमें कोविड शॉल्ट जो वैक्सीनेशन है इसका थोड़ा सा भरम है, अलबत्ता जो दूसरा किस वजह से कुछ थप्पे जम जाते हैं, साइड इफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से, अलबत्ता दूसरा जो वो है, दूसरा जो इंजेक्शन है वो लोग लगवा रहे हैं कोई बात, और बल्कि एडवांस में बुकिंग भी करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खान साहब, आप बताएंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भाई हमने तो देखी ना पता ना। आपने वैक्सीन लगवाया ना? अभी तो कोई लगवाया आप लोगों ने? हमने पता ही ना वैक्सीन की किसमें, वैक्सीन के विषय में जानकारी नहीं आप लोगों को? ना, ना जानकारी। ये बताइए वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर क्यों? हाँ जी, वैक्सीन को लेकर क्यों डर रहे हैं? डर यही है जी, जो मर रहे हैं लोग उससे। क्या आप लोगों को कोई संदेश भेजा गया है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है? जी नहीं नहीं। तो फिर क्यों डर है? डर ये जी लगवाते नहीं है कोई। अब आपने भी नहीं लगवाया? जी नहीं। वैसे ही ना लगवाई, डर के मारे ही ना लगवाई। सुनाई माए नुक लोग बाग मर रहे हैं इसको लगवाने के चक्कर में, इस मारे ही नहीं लगवाई। मेरी वजह से मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचे तो ये समाज के लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत है। यहाँ जो है पहले यहाँ डाउटफुल किस लिए, गवर्नमेंट की तरफ से पहले वैक्सीनेशन का कहा था कि एक वैक्सीन लगेगी तो उसका 28 दिन बाद लगाओ, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि 3 महीने बाद लगाओ, तो लोग हम तो डाउटफुल होंगे ही। ठीक है, होना चाहिए। हाँ ना, मैंने तो ना लगवाया जी उसे। आपकी उम्र 60 से ज्यादा होगी? हाँ 60 की होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।